School of Devotion, Patli, Dhoran 12 Science, Vishay Ganit, Prakaran 7, Part 15. Kitna chidma, Santoran, kitna chidma, x square, x equal 4 plus 1, then 3 by 4. 3 by 4 का 6 यदि x से 4 सामान्य है x के एम लाइन x से 4 सामान्य काटो x से 4 सामान्य काटा ये बात सामान्य काटो यानी जो ऊपर जो खाते हो पढ़ना चाहिए पढ़े x से 4 सामान्य काटा था x से 4 बार शुदा है यानी 3 by 4 का फिर पढ़े x से 4 सामान्य कर लिए शुदा 1 था ये शुदा एक ना चिन्ह में अपने चार x से 4 सामान्य काटो और x से 4 आवे ये खाते थे क्योंकि तो एक से टू कोसम में कहते थे ये था ये एक से टू कुन्ना था एक से टू कुरोड़ा बाकी ना था ये बच्चे ये चार चार कैंसल एक्स पे एक्स पर एक्स नहीं पांच पर एक्स पे रहने एक्स पर अर्थात सर अगोनो सर वो एक्स नहीं पांच पर वन क्रॉस इतने से मैं एक्स नहीं चार बार एक से मैं वो पी अटला पर रोटी आने 1 plus 1 upon x ni 4 per per tia di sini ya kun ikan 0 x ni tu buka dah di sini dah minus di sini saat di minus minus di sini plus saat mati ek bar minus 5 dx per bar nx n minus 1 per bar minus 4 minus minus plus x minus 4 minus 1 minus 5 4 na sih ma x रे 2 माइनस 1 डीटा उसकी जब प्लस dx बराबर dt df छेद में x रे 2 माइनस 1 उसका है dt ना छेद में क्या उसके जाए dt ना छेद में क्या तो एक ना छेद में x रे 2 माइनस df की कीमत df छेद में x रे 2 माइनस 1 उसका dt छेद में क्या 1 by 4 dt 1 by 4 dt dx ना से बैठे तो फला यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 अपना पर उसकी गलती एक ना से मल्टी नहीं t रे 2 बाय 4 नीचे 1 अपॉन x और 1 अपॉन रूट x वाला तो क्या है अब मैं इनवर्स हो जाए तो क्या मुझे मिलता है माइनस 3 बाय 4 तो सूत्र लगे x रे 2 n x रे 2 n प्लस 4 माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 छेद में माइनस 3 बाय 4 प्लस 1 बटा चार एक चार माइनस टेन बत्ता चार इस तरह वन बाय फोर माइनस टेन बत्ता चार इस तरह वन बाय फोर बत्ता सी चार चार कैंसल तीनी की मात्रा है तीनी की सूची ले दी दोनों की पहले दिया हमने वन प्लस वन अपने एक्स इस टू फोर तीनी की मात्रा ऊपर वन बाय फोर हमने बत्ता शुरू करो ऐसे आप एक्स ए टू फोर सामने का दिए हुआ है तो बाद में सुना का एक्स ए टू फोर नीचे बाय फोर कर लगता है चार चार का कैंसिल एक्स कर दिया एक्स रे को सामान्य कहता है तो ये एक था कहीं यानी एक्स रे को थोड़ा पा दो आप अब अटला पर शुरू करो आदेश के एक्स पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पा जाओ अटला पर आदेश के आदेश विधा पर शुरू करो विकलन करो विकलन तसो है क्या छेद में पॉइंट डी को डी टी तो डी एक्स छेद में एक्स रे को पॉइंट में तो डी टी बाय 4 4 अक्षर पा लो देखना छेद में तेरी टू की बात है वन अपॉन एक्स और रूट एक्स जो है वो है क्या ले जाओ ऊपर ले जाओ टी रेस टू माइनस थ्री बाय फोर क्या दिया ऊपर एनु संकलन सुधा माइनस थ्री बाय फोर प्लस वन माइनस प्लस वन बाय फोर से वन बाय फोर चार चार की जानती थी वन बाय फोर की आपने बिल आप साइन एक्स टू एट एक्स उसका कॉस एक्स टू एट एक्स छेद मान ए कोचार टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स छेद मान ए कोचार टू साइन स्क्वायर एक्स
एसआईडी टू एटेक से एसआईडी टू कोरेक नो स्क्वायर अच्छा पॉजिटिव टू कोरेक नो स्क्वायर दी है एक नंबर के सुन लगाई नीचे सब साइन स्क्वायर एक्स बत्ता कॉस स्क्वायर एक्स नो होगा एक आए पूछे एक ने माथे रखा मां बट लगभग तो कोई फिर पड़े एक छे एक ना माथे वर्ड को कोई फिर पड़े एक ना बदले साइंस करो तो कॉस पे लिखा ने हम वर्ग लखो कोई फिर पड़े एक ना बदले से लिखा साइंस करो तो कॉस पे पर वर्ड नो पर उसका टू साइंस करे कॉस पे रखती है और सुधर से साइंस एस पे और सब इस पे ना हो साइंस टू कोरेक्ट पूछा कॉस रे टू कोरेक्ट साइन एक्स टू कोरेक्ट बता कॉस रे टू कोरेक्ट एस पे उठे बीच के प्रमाण हुआ है पर ए बता बी के हो अनुविष्ठण करो तो सुधा है चार साइन ने चार का अध्यक्ष मध्य पर टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बता कॉस रे टू कोरेक्ट पूछा टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी जाए तो सू रहे से साइन इज टू कोरेक्ट पूछा कॉस इज टू कोरेक्ट से ऐसे जो साइन इज टू कोरेक्ट होता कॉस इज टू कोरेक्ट छेद में साइन इज टू कोरेक्ट होता कॉस इज टू कोरेक्ट अब ये उड़ी जाए साइन इज टू कोरेक्ट होता कॉस इज टू उड़ी जाए वन स्कूल है बोलने साइन स्क्वायर एक्स नो स्क्वायर पूछा कॉस स्क्वायर एक्स नो स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स नो स्क्वायर लगता है पूछा कॉस स्क्वायर एक्स नो स्क्वायर लगता है एक्स स्क्वायर उसे बीस ऊपर नौ है साइन स्क्वायर एक्स पूछा कॉस स्क्वायर एक्स मैं साइन स्क्वायर एक्स होता कॉस साइन स्क्वायर होता कॉस स्क्वायर लगता है जाए सेफ थी साइन स्क्वायर होता कॉस स्क्वायर लगता है जाए सेफ साइन स्क्वायर उठा कॉस स्क्वायर ये मैं माइनस सामान्य कर दियो कॉस स्क्वायर एक्स पूछा आगे तक मती साइन स्क्वायर उठा कॉस स्क्वायर मैं माइनस सामान्य कर दो तो कॉस स्क्वायर माइनस दे प्लस दे साइन स्क्वायर प्लस दे माइनस दे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर दे कौन संकलन था है संकलन करता पहला कौन सूत्र दस जो कौन कितने कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कौन है कॉस स्क्वायर संकलन करता पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कौन सूत्र था कॉस टू एक्स कौन संकलन करना कॉस टू संकलन साइन कॉस टू संकलन साइन कॉस टू संकलन सूत्र साइन तो एक्स को सोमा का भी है तो कितना सिग्मा ये बनता अब कोई हाथ पकड़ लो बताओ तो चले तो ये थी पूर्ण रखा तो चार से 1/2 2 sin x cos x sin x बता सी हमने जे लगाया को आ जाओ बता लो हमारे ऊपर तो आ साबित करवा बात जो हमने तो गमे तो जाओ बस हमारे चार sin a 2 8 x पूछा cos a 2 8 x ने तो सुन लिया sin a 2 4 x plus square cos a 2 4 x plus एक एक का तो इन्हें ऐसे सुलझ किया कि एक नौ है एक तो कहने सुलझ किया क्या पड़े एक नौ है एक ना पहले सुलझ खाए नीचे सब साइंस कर होता है कॉस कर एक ना पहले नीचे सब लोखाई साइंस सुलझ खाए साइंस कर होता है कॉस कर यानो वर उच्चार टू साइंस कर एक्स कॉस कर एक्स हमना क्या एस कर उच्चार बीस कर प्रोना हो एक बार बता अब यानो सर्वार साइंस टू कर एक्स होता कॉस टू कर एक्स साइंस टू कर एक्स उच्चार कॉस एक ना पहले साइंस कर होता कॉस कर लिखा अपने नोबल लिख एक वो है एक नंबर पर कोई फिर पड़े नहीं विस्तारण करो तो सर एक बत्ता बी नंबर पर मसाज जो ऊपर है मध्य पर टू साइंस करें कॉस करें तो तब कॉस करें तो ऊपर है आर टू साइंस करो कॉस करें एक्सेम में टू साइंस करो कॉस करें तो ताई बस साइंस जो ऊपर बत्ता कॉस करें तो फिर तो बच्चे ऊपर ऐसे ही मसाज जो ऊपर बत्ता कॉस करें तो ऊपर नहीं है आज चार का देना स्क्वायर लगो ये स्क्वायर लगो कॉस पे नो स्क्वायर बाजे एस को उठा बीस के प्रमाण पर ए बत्ता बी अने ए उठा बी साइंस करो बत्ता कॉस पे ने साइंस करो उठा कॉस पे ये आपड़ा हो गया साइंस करो तो कॉस करें लेकिन खेल जाए आपके ऊपर मत माइनस सामने कर दो कॉस करो प्लस दिन साइंस करो माइनस दिन कॉस करो माइनस साइंस करो कौन सूत्र है कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स संतुलन सूत्र है कॉस टू संतुलन साइन ना एक्स को सब को दिया जाने में फोन बैठ गया माइनस ना माइनस
आ जाओ भैया तो आपको पता ही है गलत आओ सर तो ना गलत को तो साइन के उस पर टू साइन एक्स कोसेक टू टू की जगह माइनस साइन एक्स कोसेक टू कर सकते होगा रकम में छे सैनिक तो साफ कर जाए छे सैनिक थोड़ा भागी ना को नहीं सैनिक थोड़ा गुणी ना को साइन की बैक साइन एक्स प्लस अल्फा का ये साइन एक्स थोड़ा भाग लो तो ये साइन एक्स थोड़ा गुआ पड़े कारण के भाई आटला बराबर आते इतलो એટલે ભાગાકાર નો નિયમ લાગે ભાગાકાર નો નિયમ શું થાય નીચે નો વર્ગ એટલે નીચે સાઈન સ્ક્વેર આવે નીચે શું આવે સાઈન સ્ક્વેર આવે તો સાઈન ક્યુબ અને સાઈન તો શું થાય સાઈન ની ચાર ઘાત થાય અને એનો વર્ગમૂળ કાઢો તો શું થઈ જાય સાઈન સ્ક્વેર એટલા માટે અંતર છે તે સરવાળા વડે ભાગી નાખતા આ જે પદ હતું સાઈન એક્સ પ્લસ અલ્ફા એટલે સાઈન વડે ભાગો ઉપર સાઈન વડે ગુણવા પડે આ સાઈન ક્યુબ અને સાઈન સાઈન ની ચાર ઘાત થાય સાઈન ક્યુબ અને સાઈન સાઈન ની ચાર ઘાત થાય એનું વર્ગમૂળ લઈએ તો શું થઈ જાય સાઈન વર્ગમૂળ કે આવશે વર્ગમૂળ ની બાલક નાખો સાઈન ની ચાર ઘાત થતી હતી એનું વર્ગમૂળ શું થાય સાઈન સ્ક્વેર વર્ગમૂળ ની બાલક નાખો સાઈન એક્સ પ્લસ અલ્ફા છેદમાં સાઈન એક્સ sin x plus alpha sin x sin x શું કરવાના sin x plus alpha ને sin વડે ભાગા sin વડે ભાગી નાખ sin વડે ભાગી નાખ આપણે sin વડે ભાગી નાખ તો sin ક્યુબ બતા sin જોડે sin ગુણાઈ જાય sin ક્યુબ ના sin સુધા sin ની ચાર ઘાત sin ની ચાર ઘાત ઉપર શું થઈ જાય sin સ્ક્વેર અને sin x plus alpha sin x છે આટલા બરાબર આદેશ છે રૂટ ની અંદર જે છે એના બરાબર આદેશ sin x plus alpha sin x sin x બરાબર છે આગળ પણ નિયમ શું થાય નીચેનો સ્ક્વેર નીચેનો m sin x m અને sin x plus alpha નો આપણે વિકલન sin નું વિકલન શું થાય cos x plus alpha sin વિકલન શું થાય cos x plus alpha f નું એક નાલ પણ જોડીને લખો cos ઓછા sin x plus alpha m નીચેનો સ્ક્વેર નીચેનો એમ એમ રહે કુ ઉપરના નિકલ હવે ઓછા ઉપરનો એમ એમ નહીં પાછળ લઈ આવતો નીચેનો નિકલ એટલે નીચેનો નિકલ શું થાય સાઈન કરણ cos x ઇન શું થાય dt બાય d ભાગાકાર નો નીચેનો સ્ક્વેર નીચેનો એમ એમ સાઈન નિકલ શું થાય cos x plus alpha ઓછા sin x plus alpha એમ પાછળ લઈ આવતો સાઈન નિકલ શું થાય cos x sin alpha cos beta ઓછા cos alpha sin beta કોણ શું થાય sin alpha minus beta કોણ sin alpha अल्फा तरीके x बीटा तरीके कौन x प्लस अल्फा बीटा तरीके कौन x प्लस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा इन सुपर डी एक्स ऊपर जाए बराबर बी एक्स माइनस अल्फा छेद मा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर बी एक्स से छूट जाए साइन माइनस बीटा छूट जाए माइनस साइन माइनस बीटा छूट जाए माइनस साइन बीटा छूट जाए माइनस साइन अल्फा फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टू तो डी एक्स छेद माइनस साइन स्क्वायर एक्स की कीमत क्या आवे डी एक्स छेद माइनस साइन स्क्वायर एक्स की कीमत माइनस डी टी ना छेद माइनस अल्फा आवे डी एक्स छेद माइनस साइन स्क्वायर एक्स की कीमत माइनस डी टी ना छेद माइनस साइन अल्फा dx એટલે sin² x ની કિંમત શું હોય માઇનસ dt ના છેદમાં sin અલ્ફા એમાં માઇનસ પાડે લે dt ના છેદમાં sin અલ્ફા sin અલ્ફા એટલે બહાર નીકળી લે dx એટલે sin² x ની કિંમત શું હોય માઇનસ dt ના છેદમાં sin અલ્ફા તો માઇનસ 1 પર sin અલ્ફા પાડી દે dt રહ્યા અને sin x + alpha છેદમાં sin x એટલે બરાબર આપણે શું લીધું dt લીધું કારણ કે dt કીધું શું કીધું છે
माइनस वन अपन छः नाइन फाइव नाइन नीचे नाइन मीटर ऊपर फिर रूट में तो शुक्र टू रूट आवे टी बत्ता माइनस वन अपन छः नाइन फाइव उसको कहे कौन से काल को कहे उसको कहे कौन से काल पर अभी आगे लगती ना कि माइनस वन अपन छः नाइन कौन से काल पर अभी आगे लगती ना ये जी की मच्छू जा पड़ी थी यार इस मान साइन एक्स प्लस अल्फा का साइन एक्स ये तो कम की दिखा रहे हैं मुझे કરવાનું સાઈન ક્યુબ એક્સ છેદમાં સાઈન એક્સ પ્લસ આલ્ફા હતા સાઈન વડે ભાગી નાખીએ સાઈન વડે ભાગીએ તો શું થાય આટલામાં આપણે ભાગાકારનો નિયમ લઈએ તો ભાગાકારનો નિયમ શું કે નીચેનો અનુમિકર છે સાઈન પ્લસ શું થાય નીચેનો અનુસ્કર શું થાય સાઈન છે એટલે સાઈન વડે ભાગીએ તો સાઈન વડે પ્લસ સાઈનની ચાર ઘાત થઈ સાઈનની ચાર ઘાત એટલે શું થઈ જાય સાઈન છે આટલા પર આમાં ભાગાકારનો નિયમ લઈએ એટલે શું થાય આ જતું રહેશે એટલા માટે સાઈન વડે ગુણ્યા છે આપણે ભાગી નાખીએ સાઈન એક્સ પ્લસ આલ્ફા છેદમાં સાઈન એક્સ કરવા દે છે માઇનસ સાઈન માઇનસ થીટા શું થાય માઇનસ સાઈન અલ્ફા બાર છેદમાં સાઈન સ્ક્વેર એટલે ડીએક્સ ના છેદમાં સાઈન સ્ક્વેર કરું શું થાય માઇનસ ડીટી ના છેદમાં સાઈન અલ્ફા માઇનસ ડીટી ના છેદમાં સાઈન અલ્ફા કારણ કે ડીએક્સ ના છેદમાં આટલા બરાબર શું આવ્યું માઇનસ ડીટી ના છેદમાં સાઈન અલ્ફા માઇનસ એક ના છેદમાં સાઈન અલ્ફા બાર કેટા આ બરાબર ડી આવે છે તો નીચેના નિયમ પર થઈ તો સૂત્ર આવતું માઇનસ ટુ બરાબર સાઈન અલ્ફા છે અલ્ફા ટેલી કિંમત શું છે સાઈન એક્સ પ્લસ અલ્ફા છેદમાં સાઈન એક્સ વિડિયો બાકી આવતો છે સામાન્ય કાટ લે શું થાય એક્સ ટુ પ્લસ એક્સ કેવો થઈ જાય પછી આમાંથી અંદર એક સામાન્ય કાઢો તો શું થાય એક્સ ઇન ટુ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ટુ શું થઈ જાય એક્સ વન અપર એક્સ માઇનસ એક્સ ટુ વન અપર એક્સ માઇનસ એક્સ ટુ માઇનસ સામાન્ય કાઢી દે એક્સ ટુ માઇનસ એક્સ થઈ જાય એક્સ કાઢીએ તો શું થઈ જાય સ્ક્વેર માઇનસ એક અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર હતો મારે અહીંયા ગમે તે કાઢો એક્સ પણ બાજુમાં એક્સ ગુણાયેલો અહીંયા એક્સ ની ગમે તે કાઢો કાઉન્ટ શું એક્સ ની ગમે તે કાતો કૌંસ માં ને બાજુ માં એક્સ જોડાયેલો હોય તો અંદર જે કૌંસ છે એના બરાબર આદેશ લઈ લેવો તો કોના પર આદેશ લેવાનો એક્સ સ્ક્વેર ઓછા એક બરાબર ટી આદેશ એક્સ સ્ક્વેર ઓછા એક બરાબર ટી આદેશ એક્સ સ્ક્વેર ઓછા એક બરાબર ટી આદેશ હવે આપણે અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર છે અને અહીંયા શું છે એક્સ છે તો એક્સ સ્ક્વેર કરવો હોય અહીંયા જે ઘાત હોય અહીંયા ઘાત કરવી હોય તો ઉપર નીચે એટલી ખાલી એક એટલા એક્સ વડે ગુણવા પડે તો એ બધું હોય અહીંયા કાઉન્ટમાં કોઈ એક્સ ની ઘાત વડે ઉપર હોય બાજુમાં એક્સ હોય તો આ એક્સ કેવા કરવાના સરખા કરવાના સરખા કરવાના છે કરવાના એક્સ ને કેવા કરવાના સરખા એક્સ સ્ક્વેર ઓછા એક એમ અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર જણા અહીંયા એક્સ છે સેના વડે ગુણવા પડશે તો એક્સ સ્ક્વેર થઈ જાય અંશ અને છેદ ને એક્સ વડે ગુણી નાખવાના અંશ અને છેદ ને સેના વડે ગુણી નાખવાના એક્સ એટલે એક્સ સ્ક્વેર થઈ ગયો હવે અહીંયા એક્સ ની કોઈ ખાતા પેલી હોય અને બાજુ મેં એક્સ ગુણાયેલો હોય તો એક્સ ની આખા સરખી કરવા માટે અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર છે તો એના વડે ગુણીને એક્સ સ્ક્વેર થઈ જાય એક્સ હતો તો એક્સ વડે ગુણો છેદમાં ગુણો તો અંશમાં ગુણવા પડે એટલે એક્સ સ્ક્વેર ઇન્ટુ કૌંસમાં એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વન ઉપર એક્સ હવે જે કૌંસમાં જે પદ હતું એના બરાબર આવે છે
समझिए पद तो यहाँ पर आगे से रूप एक्स में ऊंचाई पर उठती आदि तो एक्स रूप टेंस होता है एक्स डी है एक जीरो पर उठती थी एक्स रूप टेंस होता है एक्स एक जीरो की रूप टी बाई एक्स डी एक्स आम एक्स डी एक्स की रूप से जैसे डी टी बाई टू या ऊपर एक्स डी एक्स की रूप से जो आपने डी टी ने सिग्मा डी टी ने सिग्मा बे में कोटर बार कर तो एक्स के ना बदले सुलभ बना x पे ऊंचाई बराबर t तो x पे बराबर ऊंचाई जैसे t बढ़ता एक है x पे ऊंचाई बराबर t तो x पे ऊंचाई जैसे t बढ़ता एक है तो अगर t बढ़ता एक x पे ऊंचाई का अपना सूत्र इक्वल t मैंने सामान्य कह दिया या एक बार में x होना है और काउंट में कोई पॉइंट था तो है एक्चुअली एक गलत सटीक करवा मत या x तो सेना बड़े कोणीय तो x पे दे जाए आंसर में चेंज नहीं छोड़ा तो मैं इस पर दे x में x पे दे जाए अगर काउंट में नंबर वाले x पे वो चाहिए पर पट्टी आदि पे x पे मिलता है तो dx एक को जीरो टेन मिलती है dx dx क्या है ऐसा x dx एक को चाहिए dt ना चल मार दिया dt ना चल मार दिया मार क्या था माइनस ना माइनस x कर ये अपने x वाली की दूसरी पंजी क्या थी बल्ले आदि की दूसरी मंजी x वाली की दूसरी जैसे t बता ये x ना बोलती है तो ये कितना कौन आरोप दी ऐसे तो मैं आंशिक नहीं करी सको आंशिक पद करी सको અહીંયા જો એક શરૂ થઈ જાય નીચે એક છે આ ટી છે તો ટી હ્યુમિડિટી વાત કરીશું શું કરો ટી હ્યુમિડિટી વાત ટી હ્યુમિડિટી વાત કરો કોઈ ફેર પડે નહીં એક હતો વૈકી આંશિક રીતે એ નીચે બી નીચે તો ગુણાકાર કરીને અંતિમ પદ કરે અચ્છા શું કરો એક હતો તો શું કરો ટી હ્યુમિડિટી વાત माइनस वन बाई टू टी प्लस वन नीचे आठ टी प्लस वन नीचे टी इंटू टी प्लस वन लिखा है ऊंचा टी नहीं लीजिए टी प्लस वन इंटू टी लिखा है छोटा पड़ा हमारा टी प्लस वन उठी जाए तो सूर्य वन बाई टी हमारा टी उठी जाए तो सूर्य एक ना सिर्फ टी प्लस वन माइनस अंदर गुणी ना को वन बाई टू माइनस अंदर गुणो तो एक ना सिर्फ टी प्लस वन क्यों दे जाए प्लस दे जाए एक ना सिर्फ टी क्यों दे जाए माइनस वन बाई टू एम नाइन माइनस अंदर गुणे तो वन अपन टी प्लस वन प्लस दे जाए वन अपन टी क्यों दे जाए माइनस तीन विकलन नहीं थे जाए एक विकलन की बनी जन अन्य विकलन तो लगे उस पर लगे लॉग पर टी प्लस ए अथवा वन अपन एक्स के लॉग पर क्या इसके बाद वन अपन टी प्लस उधर लॉग मोटी तो बिजी तो नीचे विकलन पर दे जाए तो अपन वहाँ से लॉग वहाँ तो नहीं असु करो लॉगे वो चलो लॉग भी है उधर लॉग ए बाय बी लॉगे वो चलो लॉग भी है उधर लॉग ए बाय बी वन बाय टू लॉग इन्हीं की मंचु आप ही ले एक्स पे ऊंचा एक इन्हीं की मंचु की तो एक्स पे ऊंचा एक बत्ता एक हमने बिना बदले एक्स पे ऊंचा एक आपने लिखी मुझे लिखी लिखी इन्हीं की मंचु का एक्स पे ऊंचा ये वन बाय टू नो तो सुधर वन बाय टू लॉग नो एक्स पे ऊंचा एक बत्ता आई के जतो रे वन बाय टू लॉग एक्स पे ऊंचा वन बाय टू लॉग मोर एक्स पे ऊंचा एक बत्ता લારી તે જવાબ આપ્યો હોય તો આ લખવાનો અહીં એવું હોય કે આ બે અમારી વન બાય ટુ એમ ને તો લોગ કોમન લોગ એ ઓછા લોગ તો લોગ એ બાય બી લોગ એક્સ પર સિગ્મા એક્સ પર ઓછા એક આવી તો ચાલે એટલે આ રીતે જવાબ આપ્યો તો તો બે લોગ લોગ એક્સ પર નું મગવા કર લોગ એક્સ પર નું મગવા કર તો કુલ લોગ એ ઓછા વન બાય ટુ લોગ પછી મોડ માં ને મોડ ના તો ચાલે મોડ ના શું હોય તો ભૂલી ગયા તો મોડ ના તો વાંધો ये मॉड लिखो सुद लॉग मॉड एक्स ये वो सुद लॉग मॉड एक्स लॉग मॉड एक्स पूरी जाओ उसका 1 बाय 2 लॉग मॉड मॉड एक्स पे हो जाए एक्स पे हो जाए एक होता है ये आप पूरा थियो आप एक बार फिर से समझिए તો તો 1 ના છેદમાં x શું છે x² હતા એમાંથી આપણે શું સામાન્ય કાઢ્યા માઈનસ સામાન્ય કાઢ્યો તો x² ઓછા x થાય હવે x સામાન્ય કાઢ્યો તો x² ઓછા 1 થઈ જાય હવે કૌંસમાં કોઈ રકમ હોય અને બાજુમાં x ગુણાયેલો કૌંસમાં કોઈ રકમ હોય x ની ઘાત હોય તો નથી કૌંસમાં કોઈ રકમ હોય અને x ની જે ઘાત હોય એ જ ઘાત કરવી પડે તો અહીંયા x એટલે તો ઉપરની જે x વડે ગુણાય x² થઈ જાય અહીં x ની 5 ઘાત તો સરવાળો ગુણાય તો આપણે ઉપરની જે x ની 4 ઘાત વડે ગુણાય તો અહીં જે ઘાત થઈ જાય
एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर उठे एक बार आते हैं तो एक्स स्क्वायर विकलन टू एक्स आई इक्वल टू जीरो दैट इज डी बाय डी एक्स तो एफ डी एक्स इक्वल टू दैट बिटवीन एक्स सिग्मा बी बिटवीन एक्स सिग्मा बी बाहर कैटा और माइनस एम ने मतलब एक्स में निकल गया मुझे दा एक्स इक्वल टू बराबर टी होता है मानो कि ऊपर एक अथवा टी प्लस वन टी ऐसे हंसी के खाए गुणा कर करें जिनकी पदे चाहे जो पता की दरबार है तो हम टी ऊपर टी बात करें टी प्लस वन नीचे आ गई ना अपन टी नीचे आ गई ना क्या हम टी प्लस वन को देखना चाहिए ना टी हम टी को देखना चाहिए टी प्लस वन माइनस अंदर नो तो आप प्लस देखें ना प्लस वन को देखें माइनस वन अपन एक्स में संतुलन लॉग मोड है ए वन अपन एक्स में लॉग मोड है जब नीचे ना नोट 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 टाइम को देखें टी नीचे आप आदेश दिखो देखिए मत दिखो के ये दीदी एक्स के ऊंचाई था ये क्या एक्स के ऊंचाई ये एक जगह लॉग मोड एक्स में हाथ क्या आवे एक्स में बे नीचे अब नीचे तो ये ऊपर जैसे तो जाए उनसे रॉक आई थी भरपूर से तो एक्सपेल कॉमन काटी ली है भरपूर नहीं पारा उसमें कहीं एक्स भरपूर बात नहीं एक्सपेल कॉमन काटी है तो भरपूर नहीं पारा उसमें कहीं एक्स लेकिन लगा से एक लगा से नहीं सुधार एक्सपेल नॉट था लेकिन एक्सपेल बड़े भगवान पड़े थे एक्स नहीं चार लॉग ए ऊंचा लॉग बी एंड सुधर लॉग ए बाय लॉग ए ऊंचा लॉग बी एंड सुधर लॉग ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन छेद मॉ एक्स स्क्वायर आई एक्स छेद आई एक्स चार गाते हैं उठी जाए आप भी अन्य छेद उठी है तो सूर्य छेद मॉ एक्स स्क्वायर तो सूर्य एक्स स्क्वायर ये एक्स छेद ना ये एक्स चार गाते हैं उधर तो सूर्य एक्स स्क्वायर रूट मॉ वन छेद मॉ वन प्लस एक्स आना हम साधन पाप एक्स स्क्वायर ना छेद मॉ एक्स स्क्वायर प्लस सूर्य वन ये सूर्य एक्स स्क्वायर छेद एक्स स्क्वायर वन बताइए सूर्य वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये क्या मूवी की दाव एन लॉग एक्स तो सूर्य का लॉग एक्स की थी तो ची लॉग ए वो चल लॉग कुछ दाल लॉग ए बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे एक्स आम आदमी सूर्य सामने कैटा वर्गों से एक्स स्क्वायर सामने कैटा दे एक्स थी सामने का डोंट पार्ट के छेद में देख लाम एक्स स्क्वायर सामने कैटा दे एक्स थी जाए तो इसको दे जाए एक इसको दे एक्स नेक्स्ट में एक्स एक्शन है एक्शन चार पंद्रह सूत्र जैसे एक्स कर सूत्र जैसे या एफ चार या एफ चार पंद्रह सूत्र जैसे एक्स अबे रूट अटला पर आदेश दे एक पत्ता वन प्लस एक्स पर बरोटी आदेश दे एक पत्ता वन अपन एक्स पर बरोटी का आदेश एक लोग कर जीरो वन अपन एक्स पर तीन सूत्र माइनस टू अपन एक्स पर डी एक्स बराबर डी जो खेलना है तो एक्स टू माइनस टू ऊपर जाए तो माइनस बी है घात मैं एक बार माइनस बी है वन एक्स पर माइनस बी नंबर कितना है माइनस बी है माइनस बी है उसका माइनस है कितना है माइनस प्लस माइनस बी है ना छेद में एक्स क्वाल
माइनस बेना छेद में एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी लखी ना अपने एक मिनट लीओ अपने एक्स मिनट लीजिए माइनस बेना छेद में एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आ आप डी एक्स छेद में एक्स स्क्वायर है अपने तो डी एक्स और एक्स स्क्वायर की आप डी एक्स छेद में एक्स स्क्वायर की कीमत सीधे जाए माइनस डी टी ना छेद में डी एक्स छेद में एक्स स्क्वायर की कीमत सीधे जाए माइनस डी टी ना छेद में लेकिन उनकी तो डी एक्स छेद में एक्स की कीमत माइनस डी टी ना छेद में ये वन बाई टू बार आ रहा है डी एक्स छेद में एक्स की कीमत आप एक एक कीमत है माइनस डी टी ना छेद में जब की दीजिए आठ लाख वन अपर वन प्लस एक्स और उसने दो टी ली थी अरुण छिले उपमान लॉग एम वन अपर वन प्लस एक्स को उसने जाए बट टी आपको ये तो बात लॉग ए बराबर क्या लिख लिया प्लस सीधे जाए लॉग ए लॉग ए उछलो के प्रमाण नीचे आए एक्स स्क्वायर में एक्स कॉम तो एक्स भी कॉमन कर दो बाहर उन्हीं बार होता है एक्स तो खाए गई एक होता है एक ना छिपा एक्स एक्स से एक्स चार पाँच छः छः उठते हैं एक्स का होता है हम एक्स का ना छिपा एक्स पर ले एक लगता है होता है एक ना छिपा एक्स वन अपन वन प्लस एक्स को पट्टी आने से एक यूक्ल जीरो वन अपन एक्स पर जुड़ता है माइनस तेरह छः में एक्स पर डी एक्स प्रॉब्लम डी एक्स ना छिपा एक्स का उठता है माइनस डी टी ना छिपा अपना उठता है माइनस डी टी ना छिपा अपना उठता है લોગ એમ નાનો ડી આમાં કોઈ નિયમ લાગી જાય ક્યુ બી નો ક્યુ તરીકે લોગ આવે અને રૂટ તરીકે બી આવે ક્યુ તરીકે શું આવશે લોગ કારણ કે લોગ અને ઇન્વર્સ નું સંકલન સૂત્ર છે નહીં એ ક્યુ એ વખતે ક્યુ બી નો નિયમ લાગે એટલે ક્યુ તરીકે શું આવે અને સર લોગ માઇનસ વન બાય ટુ એમ ના બાર આપણને હદ આપેલી નથી ક્યુ તરીકે લોગ ટી રૂટ ટી એટલે શું એટલે કે વન બાય ટુ લોકલન ત્રીજે વન બાય ટુ નું સંકલન કાઉન્સ ટુ અને આપણા યુનિયનો નિયમ કરતા યુનિયમ શું છે યુ બાર યુ સંકલન યુ નું વિકલન અને યુ નું સંકલન અનુસંધિત થતા ટી રેક ટુ થ્રી બાય ટુ છે ટી રેક ટુ કોમન કાઢ્યો बाय थ्री कॉमन काट लीजिए तो शुद्ध है लॉग टी इनटू टी रे टू थ्री बाय टू वो अच्छा वन अपन टी अनुसार कुछ शुद्ध टी थ्री बाय टू अनुसार कुछ लगे टी वन बाय टू इनटू टी लिखा है जो बाय थ्री सामान्य काट लीजिए था लॉग टी एम एम टी थ्री बाय टू एम माइनस एम एम वन बाय टी टी थ्री बाय टू उसका टी वन बाय टू टी थ्री सामान्य कर दीजिए तुम्हारे अटू टू जता रहे थे शुद्ध है माइनस वन बाय थ्री log t into 3 into 3 by 2 t raised to 1 by 2 संकलन से t raised to 3 by 2 से 3 by 2 तो ये बात को आशय माने 2 by 3 into 3 raised to 3 by 2 तो अब है माइनस 1 by 3 log t t raised to 3 by 2 हमने t raised to 1 by 2 संकलन t raised to 3 by 2 ऊपर जाए तो देना 2 by 3 अब हम अभी अजीशु साहब ने लिखा t raised to 3 by 2 अपना सामान्य कर दिया t raised to 3 by 2 सूत्र याद है सामान्य सीधे जाए माइनस वन बाय थ्री इंटू डी रे टू थ्री बाय टू था डी रे टू थ्री बाय टू सामान्य का डी सीधे जाए माइनस वन बाय थ्री इंटू डी रे टू थ्री बाय टू तो सुबह जाए लॉग टी माइनस टू बाय थ्री बत्ता से माइनस वन बाय थ्री टी की मत आपने सुनी थी वन अपॉन वन प्लस एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स पे नहीं એની કુછલી આપણે વન અપન વન પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર વન પર થ્રી બાય ટુ કાતે બનાવે લોગ એની કુછલી વન અપન વન પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર એની થ્રી બાય ટુ કાતે ઓછા ટુ બાય થ્રી પ્લસ આ રીતે જાય છે ત્રણ કોમન કાઢો તો ત્રણ ગુણાઈ જાય હવે તમને જે જવાબ સાબિત કરવાના છે પ્રમાણે તમારે લખવો પડે ફરીથી આપણે એક વાર જોઈશું આ દાખલો
भैया आपको लॉक कीजिए, लॉक कीजिए कुछ भी गौरव कौन बन का सेट करें दुकान का पूछा 2x3 हमने बता लॉक भैया क्या जाए ऊपर लॉक एक्स पे एन लॉक एक्स का सुनो था लॉक एक्स पे लग गया लॉक ए उठा लॉक इसको था लॉक ए पाइप एक्स पे मैं एक सामने ये पाइप दिया एक्स पे मैं एक सामने का लगभग अपनी बार देख तो एक्स पे बड़ा तो एक्स चले एक्स चार का अच्छा तो टूटे तो सुने एक्स एक्स पे अच्छा मैं एक्स पे ले लाइक बनना अच्छा मैं वन प्लस वन अपने एक्स पर उठ गया तो एक पे भी करना जीरो वन अपने एक्स पे प्लस तो माइनस पे ना चले एक्स पर ये मिट्टी बड़ी है तो डीएक्स सामने डीएक्स ना चले एक्स पे बर उठ गया माइनस मिट्टी ना चले मामले तो माइनस वन पे टू बार का डा अठारह का बराबर मिट्टी अठारह अनुरूप मिट्टी अनुरूप की पर ये क्यों भी नॉन नंबर का डा क्यों भी नहीं नंबर का डा पची ऐसे माइनस टू बाई टू कॉमन कर दें लेमा टू टूटी जाए नीनी थ्री बाई टू होती है नस्लो टीनी वन बाई टू टूटी कंडर टीवी डी है बारी टीनी वन बाई टू सुनो टीनी थ्री बाई टू चेंज टू बाई बसे सुसामने कर दें टीनी थ्री बाई सुसामने कर दें ना तो ये टीनी के मतलब किधर टीनी के मतलब क्या जब वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू एमएम गोवा के एमएम टीनी की मतलब एमएम टू बाई थ्री एमएम बढ़ता सी अदाको शुरू हो जाए दाखलो पढ़ो सेलो तो अपन गणती वक्त ध्यान रखू पड़े હવે આપણે એક બીજો દાખલો જોઈએ अबे मैं माइनस सामने कर दिया ये सुधर ये पूछा साइन टू तो दिया ये पूछा साइन टू आनी अंदर एक उम्र हो एक बात पर कोई फिर पड़े नहीं ये कैम ना है अबे मैं माइनस सामने कर दिया तो ये पूछा साइन टू फाइव बाय सिक्स फाइव बाय साइन प्लस फोर कैम ना आ ये कैम ना अंदर से एक ज्ञान अपने नीचे से मिलता साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स आई एक एम नो एम माइनस एम नो बीटा अपने नीचे से साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स होता कॉस एक्स साइन एक्स होता कॉस एक्स एक एम नौ टेन रापन साइन ऊंचा कॉस में बढ़ था अरे साइन ऊंचा कॉस में बढ़ लिखा है ये कॉस ऊंचा साइन में बढ़ लिखा है बी रीत लिखा है साइन ऊंचा कॉस में बढ़ लिखा है ना कॉस ऊंचा साइन में बढ़ लिखा है तो कह रही तो बढ़ लिखा कौन है क्यों ले हो आना पर आप अलग थे तो साइन उत्कलन सुधर कॉस आ जाए ना
पॉजिटिव इक्वेशन शुद्ध है माइनस साइन ना माइनस साइन शुद्ध है प्लस साइन लाइव इक्वेशन से एक्टिव है तो सुलभ हुआ ने एक के में पूछा ने सुलभ किया सुलभ साइन पूछा पॉजिटिव करके वाला पर आदेश लिए तो साइन इक्वेशन शुद्ध जैसे पॉज ना पॉजिटिव इक्वेशन शुद्ध है माइनस साइन पर माइनस पॉजिटिव शुद्ध है प्लस साइन के इतना मतलब आपको मैं अंदर लिखा हूं सेट सीधू सरवाणा में एक्स बात करो तो दाखलो थतो न तो साइन टू एक्स नो दाखलो तो एमा शू करो आपणे उमेरो एक बात है साइन टू एक्स नो दाखल शू करो आपणे उमेरो एक बात है बराबर हवे साइन टू विकलन शू थाय साइन टू विकलन शू थाय कॉस कॉस नो संकलन शू थाय साइन नो संकलन शू थाय माइनस कॉस साइन नो संकलन शू थाय माइनस कॉस कॉस नो संकलन शू थाय साइन એટલે આપણે છેદમાં સાઇન માઇનસ કોસ આવવા જોઈએ ના ખ્યાલ આવે તો ઉપર ઉપર આનું સંકલન કરી નાખો આનું સંકલન કરી નાખો નીચે એવું આવું જોઈએ તો સાઇન સંકલન શું થાય માઇનસ કોસ આવી ગયા અને કોસ સંકલન શું થાય સાઇન થઈ ગયા અથવા આ રીતે બે રીતે વિચારીને તમારે લખવાનું કોના પર આવે તો આપણે જશે એક ઉમેરીને એક વાત કરો પછી વાત કરો તો માઇનસ વન વત્તા સાઇન ટુ એક્સ માઇનસ વન વત્તા સાઇન ટુ એક્સમાંથી માઇનસ વન વત્તા સાઇન ટુ એક્સમાંથી માઇનસ કોમન કાઢો તો એક પ્લસ થાય સાઇન ટુ એક્સ કેવા થાય માઇનસ એકના બદલે નીચે સાઇન કરો વત્તા કોસ કરો એક ઓછા ટુ સાઇન કોસ એમ આ સાઇન ઓછા કોસ નો વર્ગી લખાય કોસ ઓછા સાઇન નો વર્ગી લખાય બે રીતે બાજુ લખી લો પછી આનું વિકલન કરી દેવાનું આદેશ લેવાનો એટલા માટે સાઇન વિકલન શું થઈ જાય કોસ આવી જાય અને કોસ શું થાય માઇનસ એમ પણ માઇનસ કોસ શું થાય પ્લસ થાય એટલે શું થાય આ સાઇન ઓછા કોસ લખશું તો આના પર આદેશ લેવો ઉપર ઉપર જતું રહે શું લખ્યું સાઇન ઓછા કોસ લખતા આપણે કોસ ઓછા સાઇન લખતા નહીં એક આ રીતે સમજો અથવા શું કરવાનું આનું સંકલન કરી દો એ પ્રમાણે નીચે લખો સાઇન નું સંકલન શું થાય માઇનસ કોસ કોસ નું સંકલન શું થાય સાઇન સાઇન માઇનસ કોસ નો વર્ગ નો સાદો પડે તો ઉત્પન્ન થાય હવે નીચેના પર આદેશ લઈ લઈએ નીચે લખવાનું સાઇન ઓછા કોસ પર આદેશ લઈ ઉપર ઉપર જતું રહેજો આખું નહીં લેવાનું વર્ગે નહીં લેવાનું અચળે નહીં લેવાનું કારણ કે સાઇન ઓછા કોસ વિકલન ઉપર ઉપર થાય છે સાઇન વિકલન કોસ કોસ વિકલન માઇનસ સાઇન પ્લસ સાઇન થાય ડીટી બાય ડીએક્સ ડીએક્સ સામે ઉપરની કિંમત શું હોય ડીટી નીચે શું થશે રૂટમાં એ આનો શું થશે ટી સ્ક્વેર આદેશ પ્રો એટલે હદ બદલાય આદેશ પ્રો એટલે હદ બદલાય સાઇન પાઈ બાય થ્રી સાઇન પાઈ બાય થ્રી ની કિંમત રૂટ થ્રી બાય ટુ સાઇન પાઈ બાય થ્રી ની કિંમત રૂટ થ્રી બાય ટુ cos π/6 cos π/6 cos π/6 કેટલો શું થાય √3/2 sin π/6 ની કિંમત √3/2 અને cos π/6 ની કિંમત √3/2 રદ થઈ જાય 0 રદ થઈ જાય sin π/3 એટલે √3/2 અને cos π/3 એટલે 1/2 એટલે શું આવશે √3 by 2 ઓછા 1 by 2 પેલા ઉપર ની કિંમત ઉપર ની આખી માં sin π/3 √3/2 cos π/3 એટલે 1 by 2 એટલે √3/2 ઓછા 1 by 2 એટલે sin π/6 એટલે શું થાય 1 by 2 cos π/6 એટલે શું થાય 3 by 2 એટલે 1 by 2 ઓછા 3 by 2 sin π/6 એટલે 1 by 2 cos π/6 એટલે 3 by 2 હવે આ કિંમત સરખી છે પણ આ કેવાય √3/2 મોટા છે 1 by 2 નાના છે તો એથી માઇનસ સામે ને કાઢી जीरो એકના છેદમાં રૂટમાં વન માઇનસ ટી સ્ક્વેર કયું સંકલન સૂત્ર સાઇન ઇનવર્સ એક્સ ફાઈ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ ફાઈ સાઇન ફિફ્ટી જીરો થી રૂટથી માઇનસ વન ના છેદમાં કિંમત મૂકી દઉં સાઇન ઇનવર્સ એના બદલે શું રૂટથી ઓછા એકના છેદમાં બે સાઇન ઇનવર્સ જીરો શું થઈ જાય જીરો આટલો જવાબ છે બે ઇન્ટુઆ ખૂણામાં જેવું વધતો બે Okay.
શું કરો આપણે દાખલામાં ફરીથી એક વાર આપણે દાખલું સમજી લઈએ. આવા બીજા દાખલા ગણીશું.